पासवान यादव संस्थान ने पिछले 13-14 सालों में जो सोसाइटी के लिए कोशिश की है, मेहनत की है, थोड़ा सा हिस्सा मेरा है और बहुत बड़ा हिस्सा पासवान यादव को चाहने वालों, उसको मदद करने वालों, उसके साथ जुड़ने वालों, उसका जो वॉलंटियर बेस है उनका है। हम लोग हमेशा ये देखते हैं समाज में कि कोई फंक्शन होता है तो उसमें सेंटर स्टेज पे आदमी खुद को रखता है, लेकिन पासवान यादव में हम लोगों ने ये कोशिश की कि सेंटर स्टेज पे समाज हो, सोसाइटी हो, लोग हों, और ख़ासतौर से वो लोग जो इतने खुशकिस्मत नहीं हैं, ये बहुत सारी जो बेसिक सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए थी सोसाइटी के द्वारा, वो उपलब्ध नहीं है। पासवान यादव एक संस्था है जिसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन फाउंडर्स डे 19 जुलाई को हम लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया कि हम इस दिन को अपने आप को लोगों को हेल्प करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए डेडिकेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पे स्पेशलाइज मेडिकल चेकअप और ट्रीटमेंट का प्रोविजन किया गया है, जिसमें आई चेकअप, डेंटल चेकअप, किडनी के रोगों का चेकअप, बॉडी चेकअप, ब्लड डोनेशन, इसके अलावा ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और सिर्फ यही नहीं कि हमें चेकअप करते हैं, बल्कि उनको आगे अगर और मदद की ज़रूरत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनको कंसर्न जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या वो हॉस्पिटल हैं जो कि चैरिटेबल सवाल करेंगे, उनसे हम कनेक्ट करते हैं, मिनिमम कॉस्ट में उनका ट्रीटमेंट कैसा हो वो इंश्योर करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम वो सारे लोग जो यहाँ स्टेज पर आज खड़े हैं, इन्होंने समाज से बहुत कुछ लिया हुआ है, इसी कारण समाज में हमें बड़ा समझा जाता है। सवाल ये होता है कि हम समाज को वापस क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आदमी बहुत ही एहसान परामोश होगा जो सोसाइटी से सब कुछ ले तो ले, लेकिन वापस कुछ नहीं करेगा। तो आप ये कैंप जो देख रहे हैं या और पासवान की एक्टिविटीज़ जो आप देख रहे हैं, तो समाज को वापस करने का एक स्टेप है। आप देख रहे हैं कि तेज की बारिश हो रही है, 2 दिन से आंधी तूफान मुंबई में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग यहाँ पे आए और शाम तक वो संख्या तादाद और भी बढ़ेगी। तो इसका कारण ये है कि क्रेडिबिलिटी, आप पे विश्वास लोगों को इतना है कि इस मौसम में, इस बारिश तूफान में भी यहाँ पे आते हैं, हम एक क्वालिटी एजुकेटर सर्विस उनको देते हैं। अभी हमने ये निर्णय किया है कि अब इस कैंप को हम साल में 2 बार लगाएंगे ताकि और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इसके अलावा मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूना में RIIMS एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने हमें ये कहा है कि 5 ऐसे गरीब बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, जो MBA का फीस नहीं भर सकते हैं, हम उनका फीस लिए बिना अपने इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन देंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको MBA करवाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक और स्टेप उसमें आगे है। अभी हल्के लेबोरेटरी के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के क्लासेस खोलने का एक प्लान बना रहे हैं, जिससे कि वो बच्चे जो कि कुछ वजूहत के बिना बहुत आगे नहीं पढ़ सकते हैं, कम से कम एम्प्लॉयबल हो जाए, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो, स्किल आए, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। इसी ढंग से कुछ और रिसोर्सेज होंगे तो हम लोग कुछ और पे विचार करेंगे। हमारा काम है कि हम सोसाइटी ने जो हम पे विश्वास किया है, हमको जो प्यार दिया है, जो दुआएँ हमको मिली हैं, हम उसको अपने आप को उसका हकदार साबित कर सकें, हम ये साबित कर सकें कि नहीं, दुनिया में कुछ लोग, कुछ संस्थाएँ, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो अपने से पहले दूसरों को रखती हैं, समाज में जिनको ज़रूरत है उनको रखती हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये सोच समाज में आई तो हमारा समाज आगे जाएगा। सर, उर्दू अदब और उर्दू तहजीब के लेके आप काफ़ी चाहने वाले रहे हैं, गज़लों से आपको बड़ा प्यार रहा है, पासवान अदब के हर बार प्रोग्राम्स अरेंज रहते हैं, सर उर्दू के लिए कुछ सोचा है कि आपके पासवान अदब ने? हम तो हिंदुस्तानी तहजीब की बात करते हैं, उर्दू उसका एक हिस्सा है, हिंदी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, मराठी उसका एक हिस्सा है। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने बच्चे जो नई नस्ल आ रही है उनको अपने कल्चर, अपने सिविलाइजेशन, अपने लैंग्वेज, उसके बारे में जानकारी हो, वो उससे जुड़े रहें, ताकि कल के दिन ऐसा ना हो कि कोई आदमी उनके बड़े बुजुर्गों का नाम पूछे और इनको समझ में नहीं आए बात या उनको याद नहीं हो। जैसे आप महाराष्ट्र के एग्जांपल में देता हूँ कि संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखी, बड़ी मशहूर किताब है। अब वक्त ऐसा आ रहा है कि लोग अगर मराठी नहीं पढ़ेंगे तो ज्ञानेश्वरी भी नहीं पढ़ सकेंगे, और एक स्टेज आएगा कि शायद वो मराठी समझ भी ना सकें। यही हाल उर्दू का है, यही हाल हिंदी का है, यही सब तमाम भारतीय भाषाओं का है। जिस हिसाब से अंग्रेज़ी का प्रभाव बढ़ रहा है,
स्कूलों में जिस हिसाब से अपने भाषाओं की पढ़ाई कम हो रही है, क्लासरूम में और टेक्स्ट बुक जिस हिसाब से सिर्फ अंग्रेजियों में आ रहे हैं, तो मुझे एक खौफ है और हम जैसे बहुत सारे लोग इस बात का खौफ है कि अगले 30-40 साल में ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे हमारे अपनी तहजीब से कट जाएँ, अपनी जड़ों से कट जाएँ। सर, देश के युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये समझता हूँ कि युवाओं में बेहिसाब पोटेंशियल है, अगर वो मेहनत करते रहे, सच्चे डायरेक्शन में, अच्छे डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में चलते रहे, तो जिसको हम पॉपुलेशन बूम कहते हैं, बल्ज कहते हैं, जो भारत में अभी युवाओं का बड़ा शेयर है पॉपुलेशन में, मुझे लगता है कि देश की काया पलट करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए ये काफ़ी है। तो आप मेहनत करते रहिए सच्चाई और ईमानदारी के साथ, आप कोशिश ये कीजिए कि आप समाज के लिए उपयोगी बने, और आप कोशिश ये कीजिए कि आपके माँ बाप का आपको जो भरोसा है वो भरोसा नहीं।